अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आप सबको मेरे आज के बहुत ही स्पेशल व्लॉग के अंदर मैं दिल से खुशामदीद कहता हूँ। आज है 14 जून 2024, जुमे का दिन, जुमे का बाबरकत दिन, और मेरे लिए तो खास तौर पे बहुत ज्यादा। क्यों, रीजन मैं बिल्कुल रिवील करता हूँ। आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज देने जा रहा हूँ अपने घर वालों को कि मैं यूके से पाकिस्तान जा रहा हूँ विदाउट इन्फॉर्मिंग माई फैमिली। मेरी फैमिली को बिल्कुल नहीं पता। और ईद है दो दिन बाद, आज 14 तारीख है और 17 को इंशाल्लाह ईद है, तो मेरी फ्लाइट है आज की। टाइम हो गया 8 बज गया इंशाल्लाह, और मेरी फ्लाइट है आज दिन 3 बजे की, 2:50 की। भाई इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैंने इतने दिनों तक ये मैंने सरप्राइज जो है ना वो दबा के रखा हुआ था। ऑब्वियसली जब ये ब्लॉग आएगा तो तब तक मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान पहुंच चुका हूंगा। मैंने ऑलमोस्ट सीट कराई थी कुछ दो महीने पहले सीट कराई हुई थी, और मैंने किसी से भी ये बात डिस्कस नहीं की हुई थी। बहुत चंद लोग थे यहाँ यूके में जिसको पता था कि मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान, और उनको भी मैंने सख्ती से मना किया कि भाई खबरदार किसी से कोई डिस्कस रिवील नहीं करना। यहाँ भी जिसको बताया था उसकी रीजन ये थी कि इतना करीब से जाना था, चलो किसी को कोई चीज अगर दे के भिजवानी है तो वो दे के भिजवा सकता है, लेकिन वो अलहदा बात है कि किसी ने कोई चीज नहीं दे के भेजी तो थैंक यू सो मच। आप मुझे वापसी भी पैगाम ना भिजवाना कि यार ये ले आना तो वो ले आना। सामान वगैरह रेडी है, ये मेरे हैंड कैरी है, ठीक हो गया, और ये मेरा दूसरा लगेज जो उसमें जाएगा। मौसम जो है ना, आप मेरे सैंडल देख के बड़े परेशान ना हो जाना कि मैंने सैंडल पहनी है, ये ना समझना कि गर्मी है यहाँ पे, यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। मैंने अगले मौसम के लिहाज से कपड़े शपड़े पहन लिए हैं, जो शर्ट पहनी है वो भी स्लीव हाफ स्लीव है, ऊपर जैकेट चलो पहन लिया, ये तो यहाँ पे गुजारा कर जाएगा। तो अभी मुझे लग रहा है कि मुझे ठंड तो लगेगी इन सैंडल्स के अंदर, लेकिन चलो खैर ही है। कटिंग मैंने कराई हुई है बहरहाल, तो मुझे कटिंग की मुबारकबाद दे दे कि जो मैंने ये कटिंग करा ली है बड़े ही अरसे के बाद, कोई 5 महीने बाद, हफ्ता पहले मैंने कटिंग कराई है यहाँ से। लेट्स गो टू पाकिस्तान विद मी इंशाल्लाह, पूरा व्लॉग देखें, जरूर मजा आएगा, सरप्राइज देते हैं चल के पाकिस्तान अपनी फैमिली को। करते हैं अपने कमरे को अल्लाह हाफिज, बाय बाय, रब रखा, इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे कुछ ही दिनों के बाद। लेट्स गो, फूड भी ले लीजिए और चोट लगाए। अभी मुझे मोबाइल ऑब्वियस बंद करना पड़ेगा टिल ट्रेन स्टेशन। मैं इस टाइम शक्ल ट्रेन स्टेशन पर बैठा हुआ हूँ और अपनी ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। 9:14 पर तो मतलब मेरी ट्रेन अब नेक्स्ट जो है वो मेरी ही ट्रेन आएगी यहाँ पे। सो फाइनली ट्रेन पे मैं बैठ गया हूँ जो अब इंशाल्लाह जाएगी मैनचेस्टर, और ट्रेन ऑलमोस्ट बिल्कुल खाली है सारी की सारी। ये देख लो आप लोग, ये सारी की सारी ट्रेन जो है वो खाली है, बहरहाल जहाज मुझे उम्मीद है कि वो खाली नहीं मिलने वाला। तो अब इंशाल्लाह चलते हैं, लेट्स गो टू मैनचेस्टर पिकाडिली देन, एंड देन फ्रॉम मैनचेस्टर पिकाडिली टू मैनचेस्टर एयरपोर्ट। मैनचेस्टर पिकाडिली पहुंच आया हूं, और यहां से अब मैंने कनेक्टिंग ट्रेन पकड़नी है जो कि स्टेशन 13 पे होगी, और वहां से वो जाएगी एयरपोर्ट। सो मैं उनको अब टिकट दिखा लूं और ट्रेन के अंदर चलते हैं यहां से एयरपोर्ट। ये है प्लेटफॉर्म 13 टूवर्ड्स एयरपोर्ट। अच्छा, ये यहां से जाना पड़ेगा। ये है टूवर्ड्स एयरपोर्ट की तरफ प्लेटफॉर्म 13, एंड दे ऑल आर वेटिंग फॉर the train which is going towards airport. So I am here in Manchester airport, और अभी मैं जा रहा हूँ मैं टर्मिनल, अपने टर्मिनल 2 की तरफ। बोर्डिंग तो ऑलरेडी हुई हुई है, बस लगेज वगैरह जमा कराना है। तो उसके बाद फिर मुझे बड़ी सख्त लगी हुई है भूख, क्योंकि मैंने पिछले कोई प्रॉपर सही तरह खाना नहीं खाया 2-3 दिन से, और ना ही मैं सही तरह सो सका हूँ 2-3 दिन से। उसकी रीज़न एक्साइटमेंट ही है, बस और कुछ भी नहीं है। ये है मैनचेस्टर एयरपोर्ट आउटसाइड, भाई बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटीज है अल्हम्दुलिल्लाह। बोर्डिंग वगैरह हो गई है आराम सुकून से, बड़ी जल्दी बड़ी स्पीडों में। और टाइम है तो ये है मैनचेस्टर एयरपोर्ट कैफे शैफे लाउंज। तो मैंने लेना तो कुछ भी नहीं है भाई यहाँ से, बहुत कुछ ले चुका हूँ, लेकिन मसला ये है। अच्छा, ये जो मैंने पहने हुए ना,
ये मैंने शोशा के लिए पहने कि लोगों को लगे कि यो बच्चा है, कोई एम एम बच्चा नहीं है, तो इसलिए मैंने ये पहने हैं। तो इसलिए सुन मैं कुछ भी नहीं रहा, लेकिन मैंने बस शोटी में पहन ली है कि लोगों को लगे कि अच्छा यार वाह भाई बंदा ये जिसने हेडफोन पहने हुए, लोगों यहाँ बड़ा ट्रेंड है, ये लोगों ने पहले पहने होते हैं, तो इसलिए मैंने पहन ली है। कहीं से लग ही नहीं रहा कि ये एयरपोर्ट है। यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुझे एक बार बर्बरिटो मैक्सिकन ईटरी नज़र आया है, और है भी हलाल, लिखा भी ऑप्शंस हलाल ऑप्शंस अवेलेबल। तो मैं देखता हूँ यहाँ से मैं क्या खा सकता हूँ। व्हाट आर द हलाल ऑप्शंस? दिस वन इज़ द स्पाइसी वन, राइट? जगह मुझे मिल गई है लाउंज के अंदर, और ये व्यू चेक करें। जहाज भी दिखा दूँ आपको, जहाज एक जहाज ये है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खा तो चुका हूँ, बड़ा मज़ा भी आया, ठीक था, मज़े का था, भूख भी चलो ख़त्म हो गई है, अब जहाज़ वाला खाना खाएंगे। ज़रा तो वाशरूम ढूंढ लूँ, वाशरूम से होके रिलैक्स होके फिर बैठ के जहाज़ का इंतज़ार करूँगा। जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच आया हूँ, किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेसिकली। सो दिस इज़ जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आप देखो ज़रा खूबसूरती चेक करो भाई इनके, पता नहीं बाहर के तो हमारा तो कोई कभी ऐसा एयरपोर्ट हमने देखा नहीं है, इनके तो एयरपोर्ट कम और शॉपिंग मॉल ज़्यादा लग रहे हैं। तो बस यहाँ से अब मैंने अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट ढूँढनी है, जहाँ गेट ढूँढने, और फिर मैंने बैठ जाना गेंद दोबारा सऊदी एयरलाइन के ऊपर, और फिर 5 घंटे की फ़्लाइट, और फिर इंशाल्लाह लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुझे होश ही नहीं हुई, मुझे इतना बड़ा, मैं खुद सरप्राइज दे रहा हूँ, मुझे इतना बड़ा सरप्राइज मिल गया। ये बगैरत यूके था, सॉरी ये चावल यूके था, तू इधर कब आया भाई वापस? ओ भाई मैं जस्ट अ मोमेंट, ओ मैं तुझसे, मैं इससे उल्टा नाराज हूँ, मैं इसको परसों वीडियो कॉल की है, इसने उठाई कोई नहीं, मैंने कहा अल्लाह का बंदा, ना इसने मुझे कोई सी ऑफ किया है, ना मुझे कोई बाय बाय किया, मैं जा रहा हूँ यूके, पूछा नहीं है, और ये पाकिस्तान पहले का मुझे पता नहीं, मुझे आइडिया भी नहीं था। ओ भाई अच्छा, दूसरा एक भाई है उसको भी चल के मिलते हैं। किधर है वो? मुल्तान बैठा तू सरप्राइज में सरप्राइज दे रहे हो तुम लोग को,
कितने आदमी अल्लाह की कसम, मनहूस आदमी, कितना तू तेज बंदा है यार। यही तूने मत्थे लगा रहा था मेरे, फिर इधर उधर भी ये लगा, इधर भी यही लगा। अच्छा जी भाई जान, सीन कुछ ऐसे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्या चाहिए, मैं पाकिस्तान पहुंच गया हूँ और मुझे पाकिस्तान लाहौर से अब्दुल सबूर भाई ने सरप्राइज दे के, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये पाकिस्तान पहुंचा हुआ है, मुझे था कि ये उधर ही है, पर ये आगे से मुझे सरप्राइज दे के एयरपोर्ट पहुंचा हुआ है। मुझे लेने किसी और ने आना था, आगे ये आया हुआ था, इन लोगों की आपस में तय हुई हुई थी बात, लेकिन बहुत मजा आया, इट वॉज अ वंडरफुल सरप्राइज भाई जान। तो अब हम इंशाल्लाह निकल पड़े हैं अपने घर वालों को सरप्राइज देने, वो भी अब मजा आएगा। टाइम हो चुका है 10:35, गर्मी अखीर गर्मी, हाय हाय हाय, मैं तो तकरीबन गर्मी देख भी साल बाद रहा हूँ ना, ये वाली गर्मी नहीं तो भाई बहुत सख्त गर्मी है, बड़ी शदीद वाली, लेकिन कोई नहीं, गर्मी है पर अपना मुल्क अपनी गर्मी पर। चलते हैं इंशाल्लाह घर, आपको साथ साथ लेके चलते हैं टंडाला शरीफ। या मैं अपने गांव बिल्कुल तकरीबन पहुंच गया हूँ, अभी जाके बस कोई तरतीब ऐसी बनानी है कि सबको जो है ना सुकून से एक ही जगह पे इकट्ठा करके प्लान बना के मतलब सरप्राइज दे सकूं। तो पहले मैं बुलाऊंगा अपने भाई को बाहर, अगर वो घर पे हुआ तो, अगर वो ना हुआ तो फिर मुझे खुद अंदर डायरेक्ट जाना पड़ेगा। मेरे गांव की तरफ रास्ता जा रहा है हमारा प्यारा सा गांव टंडा डाला, मास्क होता हूँ, मास्क ही पहन लेता। आफ्टर 5 months लोग साल बताते हैं, मैं 5 महीने बता रहा हूँ, उमर भाई को तो बुला दो अंदर से, उमर भाई को बुला दो, गया उमर भाई, आप पूछ कितनी देर तक आओगे, कब तक आएगा, पूछ फोन करके पूछ, घर को और कोई है घर पे, अंदर जाना पड़ेगा इसको भाई, और इसको तो पता भी नहीं चले कि मैं बैठा हुआ, नहीं तो उमर को फोन करके बता देगा, तो उमर तो नहीं है घर पे। मेरा था प्लान कि उमर को बुलाऊंगा, उमर भाई मुझे मिलेगा, फिर वो किसी तरीके रास्ता बनाएगा और मैं जाके अंदर मिलूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे खुद अंदर डायरेक्ट जाना पड़ेगा। जा जा मैं बैठा हूं ना, तो उधर मेन मॉल का कर यार, अब इसको देख ना ले, उमर ने दसी ना मिलन जुलन का बंदा आंदा है कि नहीं आंदा, मिला उठ के सरकार है, यूके तो बंदा आया मिल।